दोनों ही टीमें सुन लें, बल्लेबाजी करने के लिए समता स्ट्राइक पर। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पे बीडीपी यानी बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। दोनों ही बहुत ही शानदार बल्लेबाज इलाहाबाद के। पहली गेंद लेकर और ये पहली गेंद आप विकेट से बक्की हुई बॉल बॉल का इशारा और अतिरिक्त रन के रन के रूम में फाइनल लेग पे शानदार चौके के साथ तो 5 रन से शुरुआत की है इलाहाबाद की टीम ने। अपना खाता खोला और गेंदबाजी अटैक पे अली सामने मास्टर बल्लेबाज जिनके जिन्होंने पर्चे के मोहताज नहीं, बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का रणजीत यादव। लंबा हिट गजब के साथ 6 रन, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद दंडाते हुए मिडल बाउंड्री के ऊपर से 6 रन की ली गई। ये है रणजीत की खासियत, एक ऐसा पूर्वांचल का शेर जिसकी दहाड़ कई राज्यों में फैली हुई है। रणजीत यादव क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, बलरामपुर प्रीमियर लीग में इन्होंने डिंटाओं के खिलाफ इस तरह से बल्लेबाजी की थी कि धज्जियां घोल के रख दी थी। यही इनकी क्वालिटी है भाई। रवि बनारस भी टीम में है, रंजीत यादव तीसरा मूर्ति इलाहाबाद एकदम फिर से फुलटास बाले का से शाडवा भाई वाह कमाल की बल्लेबाजी रंजीत यादव फायर करता हुआ बहुत शानदार खिलाड़ी। पहले ही ओवर से इरादे शाह रंजीत के भाई जो लाइव देख रहे हैं शेयर करते रहे ताकि और लोग लाइव जुड़ जाए भाई। जिस तरह से अब तक शुरुआत की है रंजीत ने, दो गेंदों पे 2 छक्के लगाए हैं और कहीं ना कहीं पहले ही ओवर में बैठे नजर आ रही है चित्रकूट की टीम। इस टूर्नामेंट के प्रबल दावेदारों में से इलाहाबाद, इलाहाबाद एक ऐसी सरजमी जहां एक से बढ़कर एक क्रिकेटर ने जन्म लिया और भी हाल ही में सिक्की नायडू में भाई शेयर करते रहे यार ताकि और लोग लाइव से जुड़ जाए भाई। शेयर दाब कृष्णा को सिलेक्ट किया गया, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और सोशल मीडिया पे देखा गया काफी लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया, ये बहुत बड़ी चीज है और मैं उम्मीद करता हूँ कि नीली जर्सी में विदेश के लिए खेले। एक बार फिर से चले एक और 6 रन, वाह भाई वाह मानो खिलवाड़ कर रहे हैं रंजीत। एक और चौका स्पॉट बाउंड्री की तरफ, हर बल के टूट पड़े हैं गेंद बात पे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए। यही पहचान है इनकी रंजीत यादव। मैं रंजीत यादव के बारे में छोटी सी रिकॉर्ड आपको बता दूं कि मराठी सीरीज के रूप में ये रॉयल एनफील्ड बुलेट भी प्राप्त कर चुके हैं। ये इतने बड़े खिलाड़ी है, बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है इलाहाबाद के। इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएंगे, उसमें एक बहुत बड़ा नाम रंजीत यादव का भी शामिल। फिर से चले गेंदबाज अली लेकर कैच आउट कर लिए गए रंजीत यादव, सीधे कैच आउट कर लिए गए। पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने लेकिन एक अच्छी गेंद पर सही तरीके से बल्ले में कनेक्ट नहीं और साथ में डॉक्टर फील्डर के हाथों में गेंद गई और पहले विकेट का हुआ पतन। इलाहाबाद का पहले विकेट का पतन होता है, एक अच्छी पारी खेलकर टीम को सफलता। तो नए बल्लेबाज के रूप में बलराम पांडे, बहुत ही शानदार क्रिकेटर, काफी लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इलाहाबाद के खिलाड़ियों का तूती बोलता है। तो नए बल्लेबाज के रूप में आया बलराम पांडे भाई, शेयर करते रहे ताकि और लोग यार लाइव से उड़ जाएं। पहले विकेट का पतन होता हुआ स्कोर इस समय तेजी के साथ उछलता हुआ 21 रन पे जा पहुंचा।
मात्र आठ आठ ओवरों का यह मुकाबला। इस समय केडीसी बाबू स्टेडियम पर चलता हुआ, मैं सोर के बाद आपको स्टेडियम की खूबी बताऊंगा जो आप ध्यान से देखेंगे इसको। अली बहुत बड़ी उम्मीदें हैं चित्रकूट को उनसे और सफलता मिल जाएगी टीम को, लेकिन थोड़े महंगे साबित हुए। अच्छी गेंद, उसे रचनात्मक तरीके से खेला, साफ एक फील्डर ने किसी भी रन होने की संभावना को पूरी तरीके से खत्म किया। देख सकते हैं आपके एक शानदार मुकाबला होने की पूरी संभावना चित्रकूट और इलाहाबाद के बीच यह मुकाबला चलता हुआ। ओ अच्छी बाल, बहुत अच्छी गेंद, इस बार खराब फील्डिंग वहां पे खड़े फील्डर के द्वारा, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ तक के स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन पे जा पहुंचा है। तो एक ओवर की समाप्ति पे संभवतः 22 रन है एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज रंजीत, जिन्होंने अपनी टीम के लिए बहुमूल 16 रनों का योगदान दिया। इस ग्राउंड को सजाने में काफी मेहनत किया है इस कमेटी के मेंबरों ने, जिस तरह से बारिश हुई थी दे रहा था कि टूर्नामेंट अपने निर्धारित समय पर शुरू हो पाएगा, लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस टूर्नामेंट से जुड़े सभी मेंबर जिन्होंने काफी मेहनत की और इस ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजा दिया। देख सकते हैं आप भाई, लाइव को शेयर करें ताकि वो लोग यहाँ लाइव भी जुड़ जाए, शेयर करें ताकि आप भाई। राजधानी लखनऊ से सटे हुआ ये जिला, ये बॉलर का नाम बता दें जो अपने एक्स्ट्रा भेजा उसको, अनिल नए गेंदबाज के रूप में है अनिल, और सामने है बल्लेबाज बलराम। लंबाई बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा स्टैंड में, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, दर्शक खिलाड़ी पर देखता रह गया, मानो दो नए बल्लेबाज डगआउट से प्रैक्टिस कर कर आए हैं। एक गगन बोधी छक्का इस बार बलराम के बल्ले से, स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन पे जा पहुंचा। अभी दूसरा ओवर ही प्रगति पर है, एक और बढ़िया शॉट, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, और एक और बाउंड्री, तमाशा कर दिया गेंदबाजों पर, कहर बनकर टूटे हैं दोनों बल्लेबाज। रंजीत ने लय बिगाड़ दिए पहले गेंदबाज की, उसके बाद इस दबाव गेंदबाज पे साफ दबाव देखा जा सकता है, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं मानो मनोबल टूट जा चुका हो। हालांकि क्रिकेट जैसे बड़ी टीमों के खिलाफ देखा जाता है कि वापसी करने का मादा रखती है, कहीं ना कहीं उनके बॉडी लैंग्वेज से देखा जा रहा है कि बैकफुट नजर आ रहे हैं। खैर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और वापसी करने का दोस्तों शेयर करते रहे ताकि वो लोग भी लाइव से जुड़ जाएं। अनिल एक बार तैयार फिर से, सामने है बल्लेबाज बलराम। ओ अच्छी बात, अच्छी गेंद, थोड़ी सी गति परिवर्तन देखने को मिली, पूरी कोशिश की थी बलराम ने लेकिन शॉट लगाने में कामयाब नहीं हुए। बलराम पांडे की एक खासियत यह है कि जब तक पिच पर रहेंगे वो लंबे हिट लगाएंगे। खराब बाल, पूरा फायदा 6 रन, एक और बढ़िया शॉट, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, कितनी भी दफा की जाए खिलाड़ी की कम, पकती हुई गेंद से पूरा फायदा उठाया गेंदबाज के बाद खेलने 6 रनों के लिए, कमाल की बल्लेबाजी, अब तक की इस टूर्नामेंट की सबसे लचक गेंदबाजी कह सकते हैं आप। जिस तरह से अब तक दोनों गेंदबाजों ने रन खर्च किए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज रोशन का रिकॉर्ड टूटेगा जो उन्होंने 29 रन दिए थे, और ये इस टूर्नामेंट के विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इससे पहले जिम्बाब्वे के हेनरी ओलंगा ने एक कारनामा किया था जिसमें जहीर खान ने 4 गगनभेदी छक्के लगाए थे। इस बार अच्छी गेंद, उसे रक्षात्मक तरीके से पूरा सम्मान दिया बल्लेबाज ने, जानते अपने विगत की अहमियत को। हालांकि अभी भी इलाहाबाद में एक से पढ़कर एक बल्लेबाज और
सबसे बड़ा नाम रवि बनारस, क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह। एक और लंबाई 6 रन। मेरा बाउंड्री के ऊपर से गेंद, अंपायर का डिसीजन से मुझे भी आना बाकी। चार रन, अंपायर का डिसीजन 4 रन। बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत, इसी शुरुआत की जरूरत थी दोनों बल्लेबाजों को। टीम जिस तरह से खेल रही है, निश्चित रूप से कप्तान सहवाज काफी खुश नजर आ रहे होंगे। रवि बनारस के बारे में बताना चलूं कि ये एक ऐसे क्रिकेटर है जिन्हें बाउंड्री लाने से कोई मतलब नहीं, चाहे 60 मीटर का कर दें या 160 का कर दें। इस खिलाड़ी की भाई कमेंटेटर का नाम है गुड्डू रवि बनारस और बलरामपुर, काफी बड़ी तादाद में समर्थक इनके इनको फॉलो करते हैं। और ठीक भाई, प्लीज किलिंग आपको हम दिखाते हैं भाई, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोनों टीमों का। जबरदस्त विकेट कीपर और साथ ही एक बेहतरीन क्रिकेटर, बहुत ही कंप्लीट बल्लेबाज कह सकते हैं जिसके आप हिंदुस्तान के किसी भी बड़े टूर्नामेंट में रवि बनारस की चुटी बोलती है। तो स्वागत है केबी सिंह बाबू स्टेडियम में इन सभी खिलाड़ियों का। भैया बॉलर कौन आया है? भैया विकेट कीपर। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 42 रन, बहुत बड़ा स्कोर। विशाल पहली बार के रूप में आया है शिव प्रकाश। भैया 8+8 बार का मैच ना, नए गेंदबाज के रूप में शिव प्रकाश। बहुत ही बड़ी उम्मीदें हैं टीम को इनसे, विकेट की दरकार होगी। अगर इन बल्लेबाजों को नहीं रोका गया तो रनों का एक सैलाब आने वाला है। एक बार लगी चुप से भर्ती होगी, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर कृतिक के द्वारा, जो कि इस समय मेन अंपायर की भूमिका में है। बहुत ही जबरदस्त अंपायर, इतनी कम उम्र में इस तरह की प्रतिभाओं देखना यह बहुत बड़ी बात है। और इसका श्रेय जाता है मनीष भैया को, जिन्होंने इस मंच से ना जाने कितने लोगों को प्रमोट किया है। अच्छी गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, संभवतः पैरों पर टकराई और गेंद भी चिपकते रह गई। तो विशाल एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज विशाल यादव इलाहाबाद के बेहतरीन क्रिकेटरों में शुमार किए जाते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के खिलाड़ियों का एक वर्चस्व कायम है। सत्य प्रकाश शिव प्रकाश माफ कीजिएगा, और कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन ओवर घटता हुआ अब तक का देखा जाए तो। हालांकि जैसे तूफान आने से पहले थोड़ा सा सन्नाटा रहता वो नजर आ रहा है मुझे, और हो सकता है अभी एक बड़ा स्ट्रोक देखने को मिले। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, काबिले तारीफ गेंदबाजी, थोड़ी सी अपील लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा अंपायर पर, और पड़े भी क्यों, बहुत ही शानदार अंपायर हमारे, अपने पर्चे के मोहताज नहीं, बाराबंकी की सरजमी का है। बहुत बड़ा नाम मुबस्सिर इस्लाम, हाल ही में भी भारत की टीम आई थी गाना स्टेडियम में और इन्होंने अपनी गेंदबाजी से भारतीय टीम को प्रैक्टिस कराई, बहुत बड़ी बात है। ये हमारे इस शहर के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे इस शहर में भी ऐसे लोग हैं। तो मुबस्सिर इस्लाम, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। शिव प्रकाश तैयार अपनी बाली छोर पर, देख सकते हैं सिटी एंड से जहां पे सरदार जी की होटल है पीछे, बहुत ही बेहतरीन। खराब बाल, पूरा फायदा 6 रन। दादला जला शॉट, किसी भी बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं, स्कोर लेग बाउंड्री के पास 6 रनों के लिए। इस बार विशाल के बल्ले से निकलता हुआ स्ट्रोक। विशाल एक ऐसे खिलाड़ी है जो अगर चल निकले तो यहाँ पे रनों की बारिश देखने को मिल सकती है दर्शकों को। स्कोर में तेजी के साथ इतना होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन पे जा पहुंचा। अभी मात्र 3 ही ओवर हुए हैं और स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 49 रन। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकेत है कि एक विशाल स्कोर की तरफ जाएगी ये टीम। एक और बढ़िया शॉट, कमिया शेर हो शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, कमिया शेर हो शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और लहजा नम कर लो फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो जैसे ही नानी ट्राई कर ये बल्लेबाज दूसरे बल्लेबाज को मारता हुआ देख रहे थे, विशाल वही से छटपटा रहे थे कि मुझे कब मिलेगा, मैं अपने बाजू खेलूंगा। और देख सकते हैं एकदम हैरान कर दिया है गेंदबाजों की थज्जिया खेल के रख दी है। स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ इस समय 55 रन भेजा पहुंचा, और इलाहाबाद के खेमे में देख सकते हैं खुशियों की लहर। वाह
अरे वाह, ये है क्रिकेट का रंग। इलाहाबाद की जो वर्चस्व वो ऐसे नहीं है, वहां पे एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है और यही पहचान ही इलाहाबाद की। जिस टूर्नामेंट में आते हैं टूर्नामेंट में जान भर देते हैं। शिवप्रकाश काफी दबाव में इस समय, काफी निराश हुए कप्तान अपनी गेंदबाजी से। अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया उसको। ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 55 रन। एक विकेट के नुकसान पर आउट होने बल्ले वाले बल्लेबाज मास्टर बल्लेबाज रंजीत। समय का विशेष ध्यान दें अंपायर, और जो खिलाड़ी से बताया गया कि आपको 32 मिनट से समय दिया गया और 8 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी गई है, 40 मिनट को मैं आपको ये 8 ओवर फेंकने हैं, वरना आपके ओवर काट कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कप्तान साहब। नियम और अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं होगा, ये बात विशेष ध्यान दें। नए गेंदबाजी के रूप में नाम बता दें, रितेश पांडे। देखना है रितेश अपनी टीम को शपथ दिला पाते हैं या नहीं। यूट्यूब से और फेसबुक लाइव से जुड़ने वाले हमारे सभी क्रिकेट प्रेमी जो लगातार इस टूर्नामेंट को प्यार दे रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इस टूर्नामेंट को एक नया रिकॉर्ड बनाइए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है इस टूर्नामेंट के आयोजकों की, जिन्होंने जिले स्तर का ये टूर्नामेंट कराया, दिल छू लिया, यकीन मानिए बहुत खुशी हुई मुझे। इस बार अच्छी गेंद से कलाइयों के सहारे खेला, फाइनल लेग पर फील्डर ने जब तक गेंद को फील्ड किया, दोनों खिलाड़ी नितिन जी के साथ भागते हुए 2 रन पूरा कर लिया। तो बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ी के द्वारा देखने को मिली। क्रिकेट की जो बेसिक होती है वो सिंगल्स होती है। महान क्रिकेटर रिंकी पोंटिंग का कहना कि अगर सिंगल करना जानते हैं तो आप किसी भी टीम को हैरान कर सकते हैं। तो क्रिकेट की सूक्ष्म जानकारियों के साथ इस समय हमारे दोनों अंपायर लड़ाई की भूमिका में बीच मैदान पे हैं। इस बार पटकी हुई गेंद, हालांकि कोशिश की थी वादी फील्डर ने कि किसी भी पास मौका ही नहीं है, बस दर्शक बनकर देख रहे हैं फील्डर। रनों का पहाड़ लगता हुआ, स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 63 रन। वाह भाई वाह, बनारस की टीम इस समय चैंपियन की तरह खेलती हुई, माफ कीजिएगा इलाहाबाद की टीम खेलती हुई। हालांकि रवि बनारस को टीम में बाहरी खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है, 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आप अपने जिले के बाहर के रख सकते हैं, उसमें रंजीत और रवि को टीम में शामिल किया गया है। अब लोगों की माने या सहबाज की बहुत करीबी माने या इसलिए रखा गया है या कि खेल के दम पे, ये बात में पता चलेगी। एक बार फिर पटकी हुई गेंद थी, उसको खेला मेडा बाउंड्री की तरफ, फिल्टर वहां पे मौजूद। गेंदबाज रितेश पांडे, 4 गेंदबाज अटवा चुकी हैं टीम के, लेकिन अभी तक जो नतीजे आए हैं वो ये हुआ कि स्कोर बहुत ही बड़ा 64 रन पे जा पहुंचा। काफी महंगे ओवर साबित होते हुए दोनों ही गेंदबाज। तालुकदार इंटर कॉलेज कैप इस टूर्नामेंट की विशेषता, इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को 2,51,000 और उपविजेता टीम को 1,51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, वो भी इंडियन करेंसी, जिसमें गांधी जी की एक खूबसूरत तस्वीर बनी होगी। याद रखें, तस्वीर गांधी जी की होनी चाहिए, तभी आपको कुछ मिलेगा। इत्तेफाक से कहीं जिन्ना का निकल गया तो अपनी जिम्मेदारी आपकी होगी, इसलिए इनाम जीतिए, खुशियां मनाइए और इस टूर्नामेंट की एक बड़ी जो टूर्नामेंट की ख्वाब है ट्रॉफी ये जीत कर ले जाइए, ये बहुत बड़ी बात है। इस टूर्नामेंट की जो ट्रॉफी है वो बहुत ही शानदार, जरूर उसकी चमक इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने वाले 16 टीमों के कप्तानों की आंखों तक गई होगी। तो दिल में सपने सजाए लिए इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए दोनों ही टीमें, इसको जीतने के लिए पूरी तरीके से ग्राउंड पर संघर्ष करती हुई, लेकिन पड़ा इस समय इलाहाबाद का भारी। इसी बीच पटकी हुई गेंद और बढ़िया प्रयास किया लेकिन रुकने में कामयाब नहीं हुआ, एक और चौका शामिल हुआ विस्तार के खाते में, स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन। जम को खबर लेते हुए दोनों बल्लेबाज, मुफस्सिर इस्लाम और कीर्तक सिंह इस समय मेन अंपायरिंग की भूमिका में हैं।
वहीं पर स्कोरर एमडी आतिफ, साथ ही कमेंडेटर मुन्ना, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन आवाज के मालिक हैं और कस्बा माहौल लाइव स्ट्रीम जो फेसबुक पे आप पांच देख रहे हैं, आसिफ भाई यहाँ पे मौजूद। इसी बीच और बड़ा शॉट इस बार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए। वाह भाई वाह, इलाहाबाद इस समय जलवा बिखेरती हुई, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, कितनी भी प्रसन्नता की जाए टीम की रकम। 4 ओवर अभी चल, इस समय स्कोर बढ़ता हुआ 4 ओवर अभी प्रगति पे है, स्कोर इस समय बढ़ता हुआ 74 रन पे जा पहुंचा। कमाल की बल्लेबाजी, एक से बढ़कर एक धुरंधर तो अभी भी आने बाकी, जिसमें रवि बनारस और शहबाज जैसे बल्लेबाज, जो उत्तर प्रदेश की अगर टीम बना दी जाए टेनिस क्रिकेट में तो इनसे अच्छे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज मैंने कभी नहीं देखा। बहुत शानदार क्रिकेटर, समता इस ओवर की अंतिम गेंद है ये, स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन, स्कोर बोर्ड फिर तक टंग चुका है। यकीन मानिए कि बचे हुए 4 ओवरों में अगर इन्होंने 74 रन कर दिए तो 150 का स्कोर पार हो जाएगा, जो इस टूर्नामेंट का रिकॉर्ड होगा। अभी तक 119 रन बनाई है सीतापुर की टीम। गेंदबाज एक बार फिर से चले रितेश पांडे, सामने है मास्टर बल्लेबाज विशाल, वाइट का बारी किनारा ली, विकेट कीपर ने काफी अच्छी कोशिश की लेकिन कैच खिलौने में कारगर नहीं हो तो ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 74 रन एक विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर का हमारा स्पेल खत्म हो गया। वो बहुत ही स्टाइलिश कमेंटेटर और मुजफ्फरपुर की आवाज मुन्ना कमेंटेटर हमारे से मौजूद है। इससे पहले की छोटी सी लाइन हमारे दोनों अंपायरों के लिए जो धूप में खड़े हुए हैं कि गुलाबों से कहीं ज्यादा मेरा दिल भर महकता है, गुलाबों से कहीं ज्यादा मेरा दिल भर महकता है, अगर वो ख्वाब में आ जाए तो बिस्तर महकता है। और मेरा महबूब जब भी फोन करता है मोबाइल से, मेरा महबूब जब भी फोन करता है मोबाइल से, महीनों तक रिसीवर रूट और टावर महकता है। ये आपके लिए एनर्जी ड्रिंक है, एक बार पार साहब लेते रहिए थोड़ा थोड़ा। अगले 4 ओवर के लिए जोड़ता हूँ आपको मुन्ना कमेंटेटर से, मेरे साथी कमेंटेटर बहुत बहुत धन्यवाद। केडीसी बाबू स्टेडियम में आज तमाम दर्शक एवं जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े हुए दर्शक हैं सभी का प्यार भरा नमस्कार। तालुकदार इंटर कॉलेज कप का आज यह दूसरा दिन और दूसरे दिन का यह पहला मुकाबला चलता हुआ। इससे पहले मुकाबले के लिए दो टीम आमने सामने है, एक तरफ भूमि 11 इलाहाबाद तो दूसरे तरफ स्टार 11 चित्रकूट। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भूमि 11 इलाहाबाद इस वक्त काफी अच्छी स्थिति में, लगातार उनके बल्लेबाज 11 स्टार चित्रकूट के गेंदबाजों पे बरस रहे हैं। ये सिर्फ हवा में गेंद है, नीचे विकेट कीपर खुद और कैच को लपका और ये विकेट की सफलता हुई। विशाल को जाना पड़ेगा डग आउट की तरफ, रवाना होना पड़ेगा और ये दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। विशाल जो कि 3 छक्के 1 चौके लगाए लेकिन अब उनको जाना पड़ेगा बाहर। अगर मैं इलाहाबाद की नजरिए से देखूं तो उनके पास ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं कि किसको खिलाए किसको ऊपर भेजे। 8 ओवर का फॉर्मेट है, 8 ओवर का गेम है। अभी भी देखिए रवि बनारस जैसे बल्लेबाज डग आउट में बैठे हुए हैं, मौका नहीं मिला उनको चौथे नंबर में बल्लेबाजी करने का। चौथे नंबर में बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं इजाजा है बल्लेबाजी करने के लिए चौथे नंबर पे। तो बहुत अच्छी सफलता दिलाते हुए गेंदबाज शिव प्रकाश अपने टीम के लिए, लेकिन उस विकेट से कितनी वापसी होती है इलाहाबाद की ये देखने वाली बात होगी। सुबह का मौसम है, सुबह का वक्त है, मौसम भी अगर बात की जाए तो काफ़ी तेज़ धूप लेकर आई है। हालांकि
काफी अच्छा और सुनहरा मौसम था, इसी बीच एक बहुत ही बेहतरीन गेंद जड़ में बॉल सटीक ठिकाने पे गिरी। कसम का यॉर्कर, अच्छा गेंदबाजी से ओर से देखने को मिला। अगर लेकिन स्टॉक चित्र कुट की तरफ से देखा जाए तो प्रकाश से जो कि पहला ओवर डाले थे थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस ओवर में थोड़ी सी वापसी हुई है, अच्छी गेंदबाजी हुई है इस ओवर से। तो ये दूसरे दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ टीआईसी कप तालुकदार इंटर कॉलेज कप, इसी बीच बल्ले के बीच में लगी है और गेंद जाके गिरी है दर्शक दीर्घा में स्क्वाड लेग अंपायर के ऊपर से छेरा। बलराम पांडे के बल्ले से यह करारा प्रहार और इस प्रहार पे पूरे 6 रन मिलेंगे और इस 6 रन के साथ रन में इजाफा होता हुआ अगर मैं रन संख्या की बात करूं तो इस छक्के के साथ जहां पहुंची है 82 रन, 82 लॉस ऑफ 2 आफ्टर प्रोग्रेसिंग इन फोर्थ ओवर। बल्ले का इनसाइड इज भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की, विकेट कीपर काफी पीछे थे, एक छोटा सा जीवन दान कह सकते हैं यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए। किस्मत का साथ मिला वहां पे बलराम पांडे को, एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर उत्तर प्रदेश का यह खिलाड़ी, इलाहाबाद का यह खिलाड़ी इस वक्त पूरे भारत में अपना जलवा दिखाते हुए। और ये लीजिए कैसों दूर जालिया उठा के लाइए काफी दूर से, क्या बेहतरीन शॉट लगाया, काफी लंबा छक्का लगाया यहाँ पे। तो ये बेहतरीन शॉट तो इस 6 के साथ ओवर संपन्न, तो कुल ओवर संपन्न हुए हैं 5। 5 ओवर के बाद अगर मैं इलाहाबाद की स्कोर की बात करूं तो स्कोर बोर्ड पे बढ़ा दिया 88 रन, 2 विकेट के नुकसान पे काफी तेजी से रन रेट चलता हुआ, रनों की एक अंबार सा बनता हुआ यहाँ पे। और रवि बनारस जिस टीम में हो वो टीम वैसे ही रन बनाने में काफी एक्सपर्ट होती है। आपने रवि बनारस की बल्लेबाजी काफी देखी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं इनका इतिहास में एक हैट्रिक विकेट भी है, वो हाल ही फिलहाल में इन्होंने लिया है जो मेरे यूट्यूब पे डाला गया है यूट्यूब चैनल पे। इसी बीच फाइनल के वो तरफ का शॉट का खिलाड़ी मौजूद है, लपक लिया कैच, चेक से फलता है, आज को जाना पड़ेगा बाहर। एक रन बनाकर खेल रहे थे लेकिन अगले बॉल पे अपना विकेट गंवा दिया, तो ये तीसरे विकेट का पतन हुआ है जाज के रूप में। काफी अच्छी की अच्छी वापसी यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर भूमि 11 इलाहाबाद की नजरिए से देखा जाए तो ये थोड़ा सा मिडिल ओवर जो रहा है वो धीमा हुआ है, लेकिन 11 स्टार चित्रकूट यहाँ पे अच्छी वापसी की है पिछला ओवर से, और उसके बाद जैसे ही छठा ओवर शुरू हुआ यहाँ थोड़ी सी कमबैक की है। लेकिन लीजिए आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे इस वक्त रवि बनारस, जो कि बनारस की ही नहीं बनारस की आन बान शान, बनारस का वो लाल जो कि इस वक्त पूरे भारत में कर रहा है कमाल, अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है, एक से एक दिग्गज जो गेंदबाज टेनिस के स्टार गेंदबाज है उनको घुटने टेकवाया है अपने सामने अपने बल्लेबाजी के बलबूते पे, वो बल्लेबाज वो रवि बनारस इस वक्त आपको ग्राउंड पे दिख रहे होंगे। और इनके बल्ले से जब शॉट निकलते हैं तो हमारे सहयोगी कमेंटेटर ने भी बताया कि भैया वो 60 मीटर हो या फिर 160 मीटर हो फर्क नहीं पड़ता है, ये अपने अंदाज में खेलते हैं, ये अपने लय में खेलते हैं। रवि बनारस और गेंदबाजी के लिए अली जिन्होंने मचा दी थी पहली बॉल से खलबली, लेकिन यहां पर रवि बनारस का बल्ला खुला है और मिला है मैक्सिमम 6 रन, आते ही आते छक्कों से स्वागत किया है, पहली बॉल पे विकेट, दूसरी बॉल पे छक्का, रवि बनारस पहली बॉल पे छक्का लगा है, डग आउट से सेट हो गया है। और मैं बता दूं कि जो भी दोनों टीम खेल रहे हैं एक खास अनाउंस ध्यान से सुनेंगे भैया, अगर किसी की बर्थडे हो तो खास ऑफर भी है और नहीं भी है तो भैया महिमा बेकरी के तरफ से जीतने वाली टीम को 1 kg का केक दिया जाएगा। अब फ्लेवर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फ्लेवर आप लेंगे, तो महिमा बेकरी की तरफ से एक जीत का स्वाद ग्राउंड पे आपको मिलेगा और ग्राउंड के साथ साथ आपके ड्रेसिंग रूम के
का भी व्यवस्था रखा गया है महिमा बेकरी की तरफ से, 1 kg केक दिया जाएगा और ये हर मैचों के लिए है। जो हमारे खिलाड़ी या टीम के कैप्टन या टीम के ओनर है कस्बा माहौल लाइव या फिर BDP के माध्यम से देख रहे हैं तो वो भी खास ध्यान से सुन ले कि भैया आपके लिए भी अनाउंस है। लेकिन इसी बीच रन बनाने का बल्ला सर चढ़ के बोलता होगा छेड़ा बेहतरीन शॉट, स्लो डिलीवरी डाला था लेकिन वो स्लो डिलीवरी काम ना आया, गति में परिवर्तन किया था लेकिन शॉट में परिवर्तन नहीं किया रही बनारस ने। और इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ दंदनाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है पूरे 100 रन और ये लीजिए 106 मीटर का यह छक्का भी है और 106 रन भी हो गई है टीम की। इस ओवर से रवि बनारस ने 3 छक्के लगा दिए हैं। पहला गेंद पे विकेट जरूर आया था, अली ने काफी अच्छी स्टार्ट करी थी लेकिन रवि बनारस के सामने थोड़े से घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं और ये ऐसे बल्लेबाज है कि इन्होंने भारत के दिग्गज सितारों का, दिग्गज गेंदबाजों का, एक बेहतरीन गेंदबाजों का जिनके पास इन स्विंग आउट स्विंग कटर आउट कटर सबको ही है, वैसे वैसे गेंदबाजों का भी धज्जिया उड़ाया है। लीजिए इस बार बैक फुट पे गया, पैर को पीछे खींचा और खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए और इसी के साथ ओवर भी संपन्न होता हुआ। तो कुल 6 ओवर की खेल जो है वो संपन्न हो चुका है। 6 ओवर के बाद 112 3 विकेट के नुकसान पे आप देख रहे हैं तालुकदार इंटर कॉलेज कप सीजन फर्स्ट 2022 बाराबंकी उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये बहुत बड़ी नामी राशि वाली है टूर्नामेंट। 2,51,000 प्रथम पुरस्कार इस जो विनर बनेंगे जो चैंपियंस बनेंगे 2,51,000 रुपए कैश दिए जाएंगे। वही जो टीम रनर अप बनेगी उपविजेता बनेगी जो टीम फाइनल मैच में हारेंगे उन्हें मिलेगा 1,51,000 रुपए, तो बड़ी इनामी राशि। कौन सी टीम है? हालांकि शोक इलाहाबाद की टीम प्रबल दावेदारी पेश करते हुए अब तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। महज इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनने से 8 रन दूर है। अगर 8 रन बन जाते हैं तो इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोरर बन जाएगी ये टीम। रवि भी 12 गेंदों का खेल से इस 12 गेंदों में देखना होगा कि रवि बनारस की इलाहाबाद क्या करते हैं। अजीबो गरीब एक्शन के साथ आए हैं लेकिन वो काम ना आई, तरह भी है जरा भी है बलराम पांडे मैक्सिमम छोड़ा, एक छोर को संभाल के रखा है बलराम पांडे। क्या बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी अब तक किया है बलराम पांडे। और ये लीजिए बाय वन गेट वन, एक पे एक फ्री, नो बॉल का इशारा आया है और इस पे 7 रन मिलेंगे, अगला बॉल फ्री हिट होगा। तो हमारे अंपायर मुबशीर इस्लाम भाई और कृतक कुमार सिंह दोनों इस वक्त अपना भूमिका निभाते हुए, जौहर दिखाते हुए, प्रतिभा दिखाते हुए, उनके अंदर जो टैलेंट है अंपायरिंग का वो भी कारनामे करते हुए बीच ग्राउंड के बीच। फिलहाल फ्री हिट बॉल, नहीं 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 ये खराब गेंद है और इस खराब गेंद पे भी बड़े शॉट नहीं आए और साथ में एक फ्री हिट भी थी। अक्रॉस द लाइन खेलने की उनकी प्रयास थी, वो पहले ही अपना दाहिने पैर को आगे चला के रखा था, ऑन साइड में खेलने की प्रयास थी लेकिन बॉल गिरी, फॉलो किया गेंदबाज ने उन्हें और उन्हें मजबूरन आखिरी समय में ऑफ साइड में खेलना पड़ा, लॉन्ग ऑफ की तरफ गई गेंद और 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ा। पहले ही मूड बना लिया था ऑन साइड में खेलने का बलराम पांडे जिसका नतीजा कि 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा लेकिन फर्क नहीं पड़ता है दोनों छोर से कुटाई जा रही है। लीजिए ये भी फुल टॉस गेंद और ये लीजिए 4 रन। आपने एक धमाल मूवी देखी होगी जब हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं तो भैया बोलते हैं वहां पर रेड बटन दिख रहा है तो उन्होंने बोलता भैया दबा दिया तो कहते भैया नहीं दबाना था, तो वही कुछ यहां पे होता हुआ स्टार 11 चित्रकूट के लिए कि भैया एजाज है आउट करूं, एजाज बल्लेबाजी कर रहा है तो बोल रहे भैया आउट कर दिया, नहीं करना था क्योंकि रवि बनारस सब आएंगे। तो दोनों छोर से लगभग कुटाई चल रही है, दोनों छोर से, दोनों एंड से, चाहे वो बलराम पांडे हो चाहे वो रवि बनारस हो, जब दोनों छोर से अटैकिंग बल्लेबाजी होती है तो फिर गेंदबाज थोड़े से नर्वस होते हैं और लगातार प्रहार दोनों बल्लेबाज करते हुए। और वही कुछ होता हुआ, पहले बलराम पांडे फिर वहां पे सिंगल आया, सिंगल भी लिया, उन्हें पता है कि यहाँ पे सिंगल लेने के बावजूद भी हमारे जो रन स्ट्राइक पे हमारे जो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं उनकी पास क्या एबिलिटी है, क्या क्षमता है, वो क्या कर सकते हैं, तो फिर थोड़ी सी आसानी होती है बल्लेबाजों के लिए। ये अच्छा गया जरूर थे वहां पे रवि बनारस लेकिन
सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। तो इस तरह से स्कोर की अगर मैं बात करूं तो इस ओवर से मात्र 12 रन आए हैं अभी तक। ये लीजिए फुल टॉस गेंद और ऐसे ऐसे तोहफे तो रवि बनारस चूक ही नहीं करते हैं। काफी वर्षों से इंतजार रहता है इनको इस ऐसे ऐसे गेंदों की, अच्छी गेंदों पे ये प्रहार करते हैं। फिर तो ये फुल टॉस पड़ेगी तो नहीं बचने वाले हैं और ये 6 रन। और इस 6 के साथ अगर मैं स्कोर की बात करूं तो काफी तेजी से दम बनाता हुआ 130, 3 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर का खेल चलता हुआ 130। कहर बन के बरसते हुए गेंदबाजों के ऊपर 11 स्टार के ऊपर। इसी बीच एक और पे 308 गैप में, लेकिन वहां पे अच्छा बैकअप फील्डर के द्वारा मिड विकेट से बारिश लगा के क्षेत्र में जाकर बॉल को फील्ड किया। 1 रन आसानी से मिल जाएंगे रवि बनारस को। इस 1 रन के साथ टीम पहुंची 131 पे, जबकि ये 7वां ओवर का खेल चल रहा है। कस्बा माहौल और BDP लाइव क्रिकेट के फेसबुक पेज के माध्यम से इस वक्त पूरे भारत में, पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस वक्त लाइव प्रसारण किया जा रहा है। दुबई, ओमान, मलेशिया, कतर, साउथ अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे जगहों से हमारे इंडियन फैंस जो कि विदेशों में हैं वो वहां से लाइव स्ट्रीमिंग के साथ मजा ले रहे हैं। तो मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ जो कि अपना बहुमूल्य वक्त देकर मैच देख रहे हैं, अपना ड्यूटी भी कर रहे हैं, मैच को भी वॉच कर रहे हैं। तो सभी का धन्यवाद। लेकिन इसी बीच एक छक्का आता हुआ, इस 6 के साथ अगर स्कोर की मैं बात करूं तो 137 4। तो आखिरी गेंद शेष होगी अभी भी। ओवर हो चुके हैं तो कुल 7 ओवर के बाद स्कोर है 100। मिड विकेट के क्षेत्र में रवि बनारस के बल्ले से, जब तक कि बॉल फील्डर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए। तो आखिरी गेंदों पे चौका आया था और अब पहली बॉल पे सिंगल आई है तो कुल 136 रन स्कोर जा पहुंचे 136। और दिन के जब पहले मुकाबले होते हैं तो कुछ इसी प्रकार रन बनते हैं और इससे टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर बन गए है इलाहाबाद की टीम। 119 सबसे हाईएस्ट स्कोर था इसी टीम के लिए, लेकिन इस वक्त 120 बन चुकी है। 120 जो चाहिए थे वो क्रॉस कर चुकी है, 136 रन बन चुके हैं। बैकअप लेंथ थोड़ी सी गति में परिवर्तन, पहले ही बल्ला निकाला था वहां पे बलराम पांडे स्क्वायर लेके क्षेत्र से, ताकि बॉल फील्ड में 1 ही रन मिलेगा और जीतने वाले टीम को महिमा बेकरी की तरफ से 1 kg केक दिए जाएंगे। फ्लेवर जीतने वाली टीम के मन मुताबिक बताए जाएंगे। कई टीम अभी भी चर्चा करने शुरू कर दिए हैं कि भैया कौन सा फ्लेवर खाएंगे हम लोग। ये लीजिए गई गई कोशों दूर गई 6 रन। रवि बनारस के बल्ले से एक
बेहतरीन छक्का आता हुआ और साथ में नो बॉल। नेहले पे दौड़ा, दिवाली आ रहे हैं और यहां पे बाई वन गेट वन, एक पे तोहफा फ्री। चलिए फिलहाल फ्री बॉल है और इस बार लगान के क्षेत्र में खेला इस शॉट को, जमीनी शॉट खेला रवि बनारस और एक रन मिल जाएंगे अड़ी से एक रन के साथ। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो स्कोर जहां पहुंचा है 149। क्या ये पहली बार होगा कि 150 के आंकड़े को पार करेंगे भूमि 11 इलाहाबाद। बलराम पांडे जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी की, अगर इनकी व्यक्तिगत स्कोर की बात की जाए तो हमारे सहयोगी स्कोर बताएंगे। संभवतः ये हाफ सेंचुरी कर चुके हैं लगभग। वाह 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 भैया, 21 गेंदों में 59 रन है, 21 गेंदों में 59 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बलराम पांडे। 21 बॉल 59 रन। आखिरी गेंद स्लो डिलीवरी, पड़ा भी है जड़ा भी है लेकिन रास्ते में फील्डर, ओ माय गॉड। हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग तो है नहीं उस प्रकार की कि इसको चेक किया जाए, लेकिन अंपायर का इशारा 6 रनों का आता हुआ। कोशिश काफी लाजवाब, 100 के 100 नंबर इस कोशिश के, भले ही असफल हुए लेकिन बेहतरीन बेहतरीन कोशिश, लाजवाब कोशिश। क्या कोशिश की है लेकिन अब बता दूं कि भैया आप अगर जेहन में एक बात लाए तो कल से अभी तक जो मैचेज हुए हैं मैक्सिमम आखिरी बॉल पे छक्के आए, पहले इनिंग के आखिरी गेंद पे मैक्सिमम ज्यादातर छक्के लगे लगते हुए आपने देखे हैं। और अगला जो मैच है दो टीमों के बीच, अगला जो एक और मैच होना है, इस मैच के बाद तुरंत तैयार रहेंगे दोनों टीम। शेखर भाई आप कॉम्बॉक्स के साथ जुड़ेंगे, यहाँ पे आपका इंतजार किया जा रहा है। अगले जो मैच होने हैं दोनों टीम जुड़ेंगे, दोनों टीम के कैप्टन जो अगले मैच होने हैं और फटाफट अपना इलाहाबाद फील्ड सेटअप करेंगे। रवि बनारस अपने सबाज भाई अपने सभी खिलाड़ियों के साथ ग्राउंड के बीचों बीच जाए और फील्ड पोजिशन पे पहुंचा दे अपने सभी प्लेयरों को फटाफट, वक्त नहीं ले क्योंकि आज 4 मैचेज कराने हैं। अंपायर भी तैयार रहेंगे और दोनों हमारे टीम चित्रकूट के कैप्टन अपने बल्लेबाज को तैयार कर लेंगे, वही इस वक्त ग्राउंड के बीचों बीच जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन पे। भूमि 11 इलाहाबाद की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पे बना दिए हैं 155 रन। 155 और 156 रनों का लक्ष्य रखा है 11 स्टार चित्रकूट के लिए। देखना होगा कि 11 स्टार चित्रकूट जब बल्लेबाजी करने आती है टीम तो वो इस रन को किस तरीके से देखते हैं, क्या ये चेस कर पाएंगे या डिफेंड होगा। कल 2 मैचेस डिफेंड हुए थे, फिर आखिरी मैच जो क्वार्टर फाइनल था वो चेस किए गए थे। आज पहले मुकाबले में एक विशाल सा लक्ष्य रखा है इलाहाबाद की टीम ने चित्रकूट के सामने, तो जब 156 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरेंगे चित्रकूट की टीम तो हमारे सहयोगी कॉम्बॉक्स में बैठे गुड्डू भाई की आवाज से आप 4 ओवर का पूरा विश्लेषण सुनेंगे माइक्रोफोन पे हमारे गुड्डू भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये चित्रकूट के बल्लेबाज अपने खिलाड़ियों को भेज दें। चित्रकूट के बल्लेबाज ग्राउंड में चले जाएं। तो 156 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए चित्रकूट को।
टीम कानपुर और टीम सुल्तानपुर के दोनों कप्तान आ जाए टॉस की प्रक्रिया को पूरी कर ले। चित्रकूट के बल्लेबाज अंदर चले जाए, मेरी बात को आप विशेष ध्यान दें। 8 ओवर का खेल, आप यूं मान लीजिए कि बहुत ही कम ओवर में शुरुआत किए जाते हैं, तो आप इतना ना थके, क्योंकि एथलीट है, क्रिकेटर जो है एथलीट होता है, वो 8 ओवर के बाद तो गर्म होता है भाई। आ जाइए अंदर, आ जाइए, समय का विशेष ध्यान दीजिए आप। और एक्स्ट्रा खिलाड़ी, चित्रकूट के एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी आ जाए। मेहमान है आपका, स्वागत करता हूं, लेकिन आप भी समय का विशेष ध्यान दें। बैट्समैन का नाम, तो चित्रकूट किट की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं विक्रांत और सागर, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज विक्रांत और नान स्ट्राइक पर है बल्लेबाज सागर। गेंदबाजी अटैक पे, देखना है इलाहाबाद कप्तान किसे लाते हैं। हालांकि स्कोर बहुत बड़ा इस ग्राउंड के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, 156 रनों का टारगेट तो बहुत बड़ा माना जाता है 8 ओवरों में। तो गेंदबाजी अटैक पे रंजीत हो तो हाथ उठा दे, बहुत शुक्रिया। तो मैच की पहली गेंद आप साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन चूके रन लेने की किसी भी संभावना को स्लिप पे खड़े खिलाड़ी ने इसको खत्म किया। तो मैं अतुल रहमान गुड्डू कमेंट्री के क्षेत्र में आप सभी क्रिकेट प्रेमी और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पहले विकेट का पतन, विक्रांत आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए, बहुत बड़ा खतरा है चित्रकूट के लिए और चित्रकूट के लिए इस बल्लेबाज का चलना बहुत जरूरी था। हालांकि निराश किया अपने खेल से, और आज शुरू से देखा जाए तो चित्रकार गेंदबाजों को जिस तरह से कूटा है इलाहाबाद के बल्लेबाजों ने, बहुत ही खराब गेंदबाजी। गेंदबाजी कोच को काफी काम करना पड़ेगा अपने खिलाड़ियों पर, काफी मेहनत कर रहे होंगे इन्हें। तो नए बल्लेबाज के रूप में सौरभ आए बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि टीम के कप्तान हैं, बहुत बड़ी उम्मीदें हैं टीम को इनसे, और रंजीत ने दिलाई अपनी टीम को सफलता। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी क्रिकेट प्रेमी और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आने वाले हमारे स्टार खिलाड़ी सभी का स्वागत है।
बहुत ही शानदार तरीके से क्षेत्र रक्षण लगाया गया है यहाँ पे रंजीत के द्वारा। काफी अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, जितनी भी तारीफ की जाए साठ पॉइंट पे लगभग खड़े हुए फील्डर ने अपने दाहिनी तरफ ड्राइव लगाकर गेम को रोकने की कोशिश की और निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए। स्कोर बढ़ता हुआ एक रन पे जाकर पहुंचा, टीम का खाता खोला और लंबे लंबे शॉट लगाने होंगे चित्रकूट को इस मुकाबले को जीतना है तो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना होगा। उठा गिरती गंदी गिरती उसका फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज और बचे हुए ओवरों में जो भी बाकी है कम से कम रन रेट बहुत ही ज्यादा। यहाँ के बल्लेबाजों को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बड़ी इनिंग खेलनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। बहुत ही बढ़िया शॉट हवा में और अंपायर का डिसीजन तुम बता बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन अंपायर का डिसीजन आना बाकी। अच्छी फील्डिंग की वहां पे बहुमूल दो रन बचाए अपनी टीम के लिए। इसी तरह से बल्लेबाजी करना होगा बल्लेबाज सागर को, लंबे लंबे स्ट्रोक लगाने होंगे इस मुकाबले को अगर जीतना है तो। जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत को, इस टूर्नामेंट में जो भी नॉट आउट नियमों से खिलाया जा रहा है तो जीत ही एक ऐसी चीजें है जो आपको अगले दौर तक ले जाएंगी और हार इस टूर्नामेंट के बाहर कर देगा। और आपको सामने बस स्टॉप है, यहीं पे रेलवे स्टेशन भी है पास में। भाई जी तो देख रहे हैं लाइव को शेयर करते रहें, आपको सारी सुविधाएं दी गई है स्टेडियम में मिल रही है द्वारा, बगल में ही बस स्टॉप है रेलवे स्टेशन और एक मिनट तमाम तरह से लाइक करें तो भाई का लाइक बढ़ाइए और शेयर करिए सब। थैंक यू सर, थैंक यू की गई है ताकि खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। रंजीत चले एक बार फिर से सामने है बल्लेबाज सागर, इस बार पक्की हुई गेंद कट करना चाहते थे खेल के विकेट कीपर के हाथ में तो एक ओवर की समाप्ति। स्कोर है 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज विक्रांत जिन्होंने अपने टीम के लिए कुछ नहीं किया, 0 रिक्वायर्ड होकर पवेली चले गए। हालांकि टीम को बहुत बड़ी उम्मीद थी इनसे, 4-5 खिलाड़ी तो यही मना रहे थे कि विक्रांत आज चले और टीम का नतीजा कुछ और हो, लेकिन विक्रांत एक बार फिर से विफल हुए और आउट होकर पवेली के में बैठे इस समय आराम कर रहे हैं। भाई जो देख रहे हैं शेयर करते रहे ताकि और लोग लाइव से जुड़ जाए। इधर आ जवाब का सभी क्रिकेट प्रेमियों से गुजारिश करूंगा आप अपने एक बार शेयर कर देना पड़ जाएगा कस्बा माहौल। अरे भैया कौन बोल रहा है, सब्सक्राइब करें चैनल से ज्यादा अच्छा। थैंक यू। और इस मैच का लुक है कप्तान सौरभ इस समय मैदान पर संघर्ष करते हुए अपनी टीम के लिए, तो नए गेंदबाज के रूप में बॉलर नहीं बता दें इलाहाबाद का कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाए। सत्यम इलाहाबाद का कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाए वरना 5 रन की पेनल्टी आपको पड़ सकती है। ये बात विशेष ध्यान दें, आपको पहले ही आगाह कर दिया गया था, ये नियम से समझौता नहीं होगा, बस ये आप जान लीजिए। बाकी आपका स्वागत है, हमारे खिलाड़ी है, मेहमान है। सत्यम चले एक बार फिर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने पार को क्रॉस किया, बहुत अच्छी गेंद लेकिन उससे अच्छा शॉट, मिड विकेट पे फील्डर वहां मौजूद, गेंद को जब तक फील करते दोनों खिलाड़ियों ने तेजी के साथ भागते हुए 1 रन पूरा कर लिया। बहुत ही शानदार तरीके से इस समय गेंदबाजी होती हुई इलाहाबाद की तरफ से, इलाहाबाद के बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की और बहुत शानदार इनिंग खेली। बलराम ने 6 रनों की पारी खेली, बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, ग्राउंड के चारों तरफ दर्शकों ने इसी बीच हवा में गेंद खतरा हो सकता है गेंद के नीचे फील्डर और एक और विकेट का पतन चित्रकूट का, एक और योद्धा आउट होकर पवेलियन की तरफ जाता हुआ। तो टॉस के लिए कानपुर की टीम और सुल्तानपुर की टीम के कप्तान, दोनों कप्तान बगैर देर किए आ जाए और टॉस की प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं। गोलू रहना ना, बहुत ही बड़ा मुकाबला इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन मुकाबलों में से एक, कानपुर वर्सेस सुल्तानपुर, थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के एक से बढ़कर एक क्रिकेटर और अपनी गेंदों से बल्लेबाजों के लिए खौफ पैदा कर देने वाले विशाल सुल्तानपुर भी खेलते हुए नजर आएंगे और वही बाएं हाथ के तेज गेंदबाज
विशाल फैजाबादी जिनकी लहराती हुई गेंदें बल्लेबाजों के लिए कहर बन जाती है। एक तो 6.5 फीट की हाइट, उसके बाद 2.5 फीट का हाट और 9 फीट की हाइट से जब गेंद आती है तो बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल पैदा करती है। तो स्वागत है आप सभी खिलाड़ियों का नए बल्लेबाज के रूप में आप गए चित्रकूट की तरफ से अली अली फिजात मौका है अपनी गलतियों को हीरो बन जाने का। इन्होंने गेंदबाजी में काफी रन खर्च किए अपने दो ओवरों में, लेकिन अपने बल्लेबाजी से उस दर्द को मिटा सकते हैं। बढ़िया शॉट, हालांकि फील्डर वहां मौजूद बहुत तेज चल रहा, किसी भी रन लेने की संभावना को पूरी तरीके से खत्म किया। स्वागत है सभी खिलाड़ियों का इस ग्राउंड पर स्टेडियम, ये ऐतिहासिक मैदान है यहाँ बारामंकी का और बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट आयोजन कराया है यहाँ पे मनीष भाई फराज भाई, उनकी पूरी टीम ने मुबारकबाद की मुस्तहिक है। नजीम हसन, सुजान भाई, सानू भाई, अली भाई और पूरी आयोजन कमेटी, बहुत शानदार टूर्नामेंट, बहुत अच्छी सोच कि जिले की प्रतिभाओं को निखारने का मंच मिले। और आज आप देख सकते हैं सीतापुर का सबसे बड़ा उदाहरण है जिन्होंने अपने खेल के दम पर इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर चुका। कौन वाला आ रहा है भैया? तालिब। थैंक यू भाई। तालिब अब्बास भाई, अगर हम बात करें तो जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए कमेटी आयोजन समिति ने जो नियम लगाया है 9+2, जिसमें आप एक जिले के 9 खिलाड़ी और 2 खिलाड़ी आपके पास, फुलदास बाल पूरा फायदा उठाया, बढ़िया शॉट कवर पे, कोई कवर बॉन्डी लाइन बाद 4 रन। तो सभी टीमें मेरी बात ध्यान रखना, यूट्यूब से जो देख रहे हैं या ग्राउंड पे जो मौजूद है, टीम में किसी भी प्रकार के आप अपने जिले से बाहर केवल 2 खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति है। अगर कोई भी टीम इस नियम को तोड़ती हुई नजर आई और एक जिले से 2 से अधिक खिलाड़ियों को खिलाएगी तो याद रखें कि इस टूर्नामेंट में भविष्य में कभी उनको एंट्री नहीं दी जाएगी और उन पर पनिशमेंट किया जाएगा। तो विशेष ध्यान दें दोनों टीम में, ताकि आप लोग मेहमान हैं और किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना हो। लंबा हिट, खूबसूरत शॉट, 6 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट, पड़ की बालिश का पूरा फायदा उठाया, दंडराती हुई गेंद 6 रनों की ली गई। इसी तरह बल्लेबाजी करना होगा चित्रकूट को। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी कहना आसान नहीं जब तक ये अंतिम गेंद न कर दी जाए। मैच अभी भी ऑन है क्योंकि 2 विकेट गिरी है और 8 विकेट अभी इनके हाथ में है और दूसरा ओवर प्रगति पे है, स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ। तो भाई बता दूं पर ओवर 24 रन के ऊपर चाहिए चित्रकूट को। समाप्ति हो चुकी है, स्कोर एक और खूबसूरत शॉट, एक और ब्यूटीफुल शॉट, 15 रन, एक और 6, 3 गेंदों पर 16 रन, क्या बात है। तीसरा और निकोटे का पहला ओवर करते हुए अब्बास की जमकर खबर लिए तालिब अब्बास की, पास की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे कानपुर के कप्तान आ चुके हैं और फुलटास बाल एक और 6, क्या बात है, 2-6, 2-4, खूबसूरत बैटिंग, हाल लगातार 3-6। थैंक यू भैया, इस वक्त विकेट के पीछे आप देख सकते हैं रवि बनारस जो विकेट के पीछे हैं, लगातार एक और खूबसूरत शॉट मगर बीट हुए, गेंद पहुंची थर्ड मैन पर, पूरा किया विदाउट रन के। अब तक 22 रन खर्च कर चुके हैं तालिब अब्बास। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चित्रकूट के एक बल्लेबाज, एक और खूबसूरत शॉट, क्या खूबसूरत शॉट, कमाल की बल्लेबाजी बल्लेबाज सागर के द्वारा, जितनी भी प्रशंसा की जाए इस बल्लेबाज की कम, 26 रन छुटा तालिब अब्बास ने इस ओवर में, 26 रन, बहुत शानदार खेल प्रदर्शन करते हुए। तो टॉस जीतकर दूसरा मैच है वो सुल्तानपुर और कानपुर के बीच खेला जाएगा।
जिसमें चार विकेट का काम करके पहले बल्लेबाजी करेगी और इस मैच को खत्म होने के जस्ट तुरंत बाद सुल्तानपुर की टीम फील्डिंग लगा लेगी। बॉलर कौन है? क्रिकेटर से लाइव भी हो रहा है। हाँ, बलराम। ठीक ठीक भैया। हाँ, नाना जबरदस्त। फेसबुक के पास। पांच चार। ओए। खिलाफ की मैसेज देखा नहीं मैं। खिलाफ की मैसेज देखा नहीं मैं। बाहर जा, ताली बाहर जा तू। हाँ। ताली बाहर जा। देखा? नहीं क्योंकि स्क्रीन पे देखो। तो तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय चित्रकूट का 31 रन 31 लॉस ऑफ 2 विकेट। नए गेंदबाज के रूप में बलराम पांडे। ओ, अच्छा साड़ खेलने प्रयास बीट हुए। नगेंद्र पाल यानी अली नागेंद्र पाल अली गेंदबाजी करने के लिए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। भाई जो देख रहे लाइव को शेयर कर रहे ताकि और लोग जुड़ जाए यार। भाई शेयर करो दाब कर क्योंकि धूप में बैठे हुए हैं। ओ अच्छा यार का बाल की प्रतिभा की कोई कमी नहीं चित्रकूट में। बस उसको मौका चाहिए मंच और इस मंच पे इससे अच्छा मौका इनको नहीं मिल सकता। हीरो बन जाने का सुनहरा अवसर है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम बहुत बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड और बड़ा टूर्नामेंट इस सीजन का सबसे ज्यादा धनराशि वाला टूर्नामेंट 251,000 रुपए विजेता टीम को और उपविजेता टीम को 151,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी बीच बलराम चले धीरे धीरे कदम से बैट क्रॉस किया उल्टा इस बार बढ़िया शॉट अंपायर का डिसीजन एक रन और कह रहे थे मात्र एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन पे जा पहुंचा। चौथा ओवर प्रगति पे है लगाने होंगे वरना मैच आपके पकड़ से काफी दूर चला जाएगा। चित्रकूट आपके स्कोर बोर्ड पे मात्र 32 है जिन्हें पीछा कर रही है आप 156 होगी तो कहीं ना कहीं किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी और लंबे लंबे स्कोर गाने होंगे। बहुत शानदार गेंदबाजी बलराम के द्वारा बलराम पांडे बड़ा नाम है आबाद का इस समय जलवा बिखेरते हुए केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। बलराम के पास विकेट झटकने का बलराम चलिए एक बार फिर से इस पर बढ़िया शॉट मैदान बाउंड्री पर फील्डर वहां मौजूद केवल एक ही रन लेने का मौका। तो इस तरह से चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे चित्रकूट और यहां से जीतने के लिए 24 गेंदों पे 124 रनों की जरूरत। हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना कमेंटेटर जहां भी आवाज सुन रहे हो आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। मुन्ना कमेंटेटर बड़ी आवाज मुजफ्फरपुर की बहुत ही शानदार तरीके से कमेंट्री करते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है सभी से। टीम कानपुर की तरफ अपनी लिस्ट लाकर जमा करते कमेंट्री बॉक्स में देर ना करें। अगले चार ओवर के लिए हमारे साथी कमेंटेटर गेंदबाजी के लिए फिर से रंजीत यादव जो कि स्ट्राइकर बैट्समैन भी है बॉलर भी है जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर है। खासकर ऐसे ऑलराउंडर बनते हैं जब ओपन भी करें ओपन गेंदबाजी भी करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है और उपलब्धि है। ओ इसी के साथ कैच आउट कर लिए गए। अब की बार अब की छोड़ेंगे नहीं भैया तो नहीं आए गेंद लेकिन एक बार जीवन चांस मिलता है बार बार नहीं कैसे बोलता
सुरक्षित रखा इन्होंने, लेकिन रनों का जो अंबार है उसे पार पाना होगा। वही सागर एक तरफ से काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ छक्के कौन मारा था? एक विशाल सा स्कोर है, 156 के मैच अच्छे जिसे पार पाना बाद में राउंड में क्वालीफाई करने के लिए, सुपर 8 में क्वालीफाई करने के लिए आज के दिन का एक और मुकाबला खेलने के लिए उन्हें पहुंचना होगा सुपर 8 तक। भाई जो जो देख रहे हैं लाइव को शेयर करते रहे भाई, ताकि और लोग जुड़ जाएं। अलेवन स्टार चित्रकूट का और इस वक्त कस्बा माहौल और डीडीपी लाइव फेसबुक पेज के माध्यम से इस वक्त पूरे विश्व में इस वक्त मैच दिखाया जा रहा है। इस तालुकदार इंटर कॉलेज कप का पूरा मैच चल रहा है केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, वो पूरा लाइव प्रसारण के माध्यम से पूरा दुनिया देख रही है इस वक्त। और खासकर आप अगर जब देखेंगे इनके लाइव पे तो व्यूअर काफी विदेशी जुड़े होते हैं, खासकर दुबई, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, ऐसी जगहों से काफी सारे फैंस जुड़े होते हैं। इसीलिए थोड़ा सा खराब थ्रो है भैया, जहाँ एक रन होने चाहिए थे वहाँ एक रन मिल गए हैं आसानी से तो इस एक रन के बदौलत टीम पहुंची 35 पांचवा ओवर का यह मुकाबला चलता हुआ। भाई परवर अगर जीतना तो 34 रन के ऊपर चाहिए, 34 रन परवर मारिए। 11 स्टार चिरकुट प्राइस जो है वो 151,000 रुपए, बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी नामी राशि। और ध्यान रहे कि हमारे गुड्डू पर ऐसा बोला करते हैं कि इस पे ओ इस समय उठाया और रवि बनारस उसके नीचे और कैच कर लिया है रवि बनारस ने। रंजीत यादव के नाम, रंजीत की 83 विकेट, तीन गेंदों में क्या कारनामे किए थे, तीन गेंदों पे तीन बाउंड्री तलाश की थी, लेकिन अब इस ओवर में एक और सफलता, पहली ओवर से सफलता दिलाया था, एक विकेट निकाला था और इस ओवर में दो सफलता, यानी कुल मिलाकर तो तीन सफलता हाथ लग गई है। हम तो बोलते हैं मन ऑफ द मैच के पूरे हकदार हो चुके हैं रंजीत यादव, तीन विकेट झकड़ चुकी और आज शतक भी लगाया है। ये जो समझो चार ओवर कोई मिनट तीन रन और तीन विकेट, क्या खूबसूरत गेंदबाजी की है रंजीत यादव ने। बहुत समझदार प्लेयर है, डॉट गेंदे भी खेलते हैं, अगर इनको जब 20 ओवर के मुकाबले में इनको देखेंगे तो काफी संयमता इनके अंदर, वर्क लेते हैं, समय लेते हैं, रन बरसाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज छोटा फॉर्मेट का गेम था, 8 ओवर का मैच था, जिसके कारण वो बड़े बल्ले बड़ी पारी खेलने की कोशिश में तीन बाउंड्री लगाने के बाद अगले गेंद पे आउट हो गए। ये जो समझो चार बार कोई मैटर नहीं, तीन रन तीन सफलता, क्या खूबसूरत गेंदबाजी की है रंजीत यादव ने। एक चौके दो चौके लगा चुके थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको चलता किया, रिवर्सिप करने गए और कैच पकड़ा रहे। अच्छी गेंद हल्का तो ऑफ साइड में खेला है, यहाँ पे रन चाहते थे मगर मिलेगा नहीं। डॉट गेंद दोनों बल्लेबाजी अफरीदी और सी प्रकाश की अगर मैं बात करूँ तो दोनों नए बल्लेबाज है, एक रन बनाया है अफरीदी और वही अभी तक खाता खोलना शेष है श्री प्रकाश का, इस वक्त स्ट्राइक ले रहे हैं श्री प्रकाश। इसके बाद जो अगला मैच होना है दोनों टीम तैयार रहेंगे, ईशान इलेवन सुल्तानपुर वर्सेज कानपुर के बीच गति में परिवर्तन, ओवर स्टेप करके बारिश खेलने की कोशिश बल्लेबाज श्री प्रकाश की मगर असफल हुए। के साथ ही ओवर संपन्न होता हुआ पांच ओवर के बाद अगर मैं स्कोर की बात करूं तो 11 स्टार चित्रकूट का स्कोर है 35 चार विकेट के नुकसान पे, 35 चार विकेट के नुकसान पे पांच ओवर के बाद 11 स्टार चित्रकूट। अब तीन ओवर में जीत के लिए काफी सारे रन चाहिए, संभवतः यहां से 121 रनों की आवश्यकता है तीन ओवर में, 121 रनों की आवश्यकता है तीन ओवर में। जितनी तारीफ कर लीजिए यहाँ पे कम है, सभी आयोजन समिति के मेंबर जो है फराज जुबेरी साहब, मनीष भैया, कपिल सिंह, नजरुल हसन, सुजात शानू, अली भाई, फरहान भाई, इन सभी की जितनी तारीफ कर लीजिए कम है, जिन्होंने काफी मेहनत किया इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाने का और काफी बड़ा टूर्नामेंट इन्होंने लेके आया, एक जिला स्तरीय टूर्नामेंट कृष्णामूर्ति गेंदबाजी के लिए आया है। कृष्णामूर्ति की गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो काफी स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, ये काफी अच्छी गेंदबाजी डालते हैं, हालांकि अब जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है
थोड़ा सा कमी देखने को मिला है कि इतने बड़े स्टार थे इनकी गेंदबाजी, ठीक है। चले कृष्णा मूर्ति, ओ अच्छी गेंद, खेलना चाहते थे पीट हुए, लेकिन समय जो है वो किसका हुआ है, लेकिन फिर भी जिस उम्र में ये गेंदबाजी कर रहे हैं काबिलिय तारीफ है अपने फिटनेस की, जो फिटनेस पे जितना इन्होंने ध्यान रखा है वो बहुत बड़ी बात है। लीजिए तो अच्छी गेंद, थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा बयां कर रहा है कि थोड़ा सा मजे चल रहे हैं मैच में, थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी चल रहा है, मैच औपचारिकता शेष है क्योंकि अब पर ओवर 51 रन चाहिए, 5.51 रन और 4.3 रन चाहिए पर ओवर, गेंदबाजी भी करेंगे ऐसा दर्शाता है। और ऐसे ही जब मैं बिहार के दरभंगा जिला में झारखंड बॉर्डर पे कमेंट्री कर रहा था तो वहां पे नाइट मुकाबले में रवि बनारस ने हैट्रिक विकेट लिया था, वो हैट्रिक विकेट पे हमारे यूट्यूब पे कैद है, जिस बॉल से हैट्रिक विकेट ली थी वो उनकी रिटायरमेंट के बाद वो बॉल नीलामी की जाएगी, हाँ का अभी भाई बता रहे थे कि उस गेम को हम गेम की कंपनी बनाएंगे, इतना बोलिंग लगी रखते कि विकेट ली थी, कभी कभी होता नहीं ऐसे कि बॉलर भी कोई कारनामे कर जाते हैं, और जब सहवाग भाई ने टीम बनाया था तो रवि और बनारा, रवि बनारा कौन आ रहा भैया, क्या नाम रंजीत ने इतना ही लिखवा लिया था कि मैं बॉलिंग भी करूंगा बाटी के साथ बॉलिंग करूंगा इसलिए टीम में आऊंगा, इसको देख सकते हैं दोनों बॉलिंग कर रहे हैं जी बिल्कुल। और इस वक्त गेंदबाजी में परिवर्तन, शायद देव बलराम पांडे विकेट कीपर कौन हो गया, इजाद ने छह ओवर के बाद, अगर स्कोर की मैं बात करूं तो छह ओवर के बाद 36, ओ अच्छा साथ फील्डर मौजूद है और कैच कर लिए, हां है कैच और फर्स्ट बाउंस का इशारा आया अंपायर का जरूर है, और जी साथ एक और विकेट मिलता हुआ बलराम पांडे को, तो रन बैलेंस मुझे समझ में नहीं आया फील्डर कौन था भैया, बाहर छोड़े क्यों है क्योंकि ओवर तो डाले नहीं उन्होंने, शायद आखिरी ओवर डालेंगे विशाल, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि क्या शुक्ला जी साल यादव मैंने आपको देखा गया तो कप्तान के हाथों के बात किया कि मतलब जो बॉलिंग जो हमारी बात हुई थी देंगे आप, हालांकि बहुत ही जबरदस्त है इस इतनी भारी बर्तन करीब में इस तरह से फिट तक बनाना ये बहुत बड़ी बात है, देख सकते हैं आप इसमें मेडल उन पर लगाया गया है उनको और खुद गए हैं वो फील्डिंग करने के लिए, बहुत बड़ी बात है, एक क्रिकेट स्पिरिट देखने को मिला है जो क्रिकेटर में होनी चाहिए सारे गुण में है, रुपया तो नहीं है ना बिल्कुल, गेंदबाजी दिला दिया जाए तो इस वक्त शायद रवि बनारस को गेंदबाजी मिल जाए और वो चाहेंगे कि गेंदबाजी करें क्योंकि अब औपचारिकता ही शेष है, लेकिन ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम की जितनी तारीफ कर दीजिए उतनी कम है, फुल टॉस बार ग्राउंड है, क्या खूबसूरत स्टेडियम है, माहौल काफी अच्छा, जिस तरीके से अपना मैनेजमेंट है काफी अच्छा मैनेजमेंट है, हालांकि दर्शक उतने हैं नहीं भारी तादाद में, लेकिन जिस तरीके का मैनेजमेंट है वो अव्वल दर्जे की मैनेजमेंट है, 2,51,000 रुपये प्रथम पुरस्कार है, वही द्वितीय पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ तो 1,51,000 रुपये, और इस शॉट में पिटारे से इस शॉट को निकाला, लेकिन मौजूद है एक रन ही मिल पाएंगे, इसके बाद जो मैच होने हैं वो ईशान 11 सुल्तानपुर वर्सेस कानपुर के बीच, टॉस की प्रक्रिया हो चुकी है, टॉस जीता है कानपुर के टीम ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, तो मैं ईशान 11 सुल्तानपुर के कैप्टन से अनुरोध करूंगा कि भैया आप अपना फील्ड पोजिशन बाहर सेट कर ले, क्योंकि ये 7वां ओवर चल रहा है, इसके बाद महज 6 गेंदें बची हुई है, तो अपना रणनीतियां ग्राउंड के बाहर बना ले, फील्ड पोजीशन तैयार कर ले, और जैसे ही ग्राउंड के अंदर जाए सभी क्षेत्ररक्षक अपने अपने जगह पे मौजूद हो जाए, क्योंकि ये वक्त बहुत कम है, कुछ मार दिया अच्छे साठ स्टेट पर खेला है, कानपुर के खिलाड़ियों से आग्रह हुआ कि अपना एक डगआउट कर ले, कोई एक डगआउट में जाके बैठ जाए, ईशान 11 सुल्तानपुर तैयार रहेंगे वक्त नहीं लेंगे, और आपके पास 32 मिनट का वक्त है 8 ओवर डालने के लिए, 8 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है आपको, 40 मिनट में आपके 8 ओवर खत्म करने हैं, फुल टॉस गेंद उसे ग्लास किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन शॉट में उतनी जान नहीं कि वो सीमा का क्रॉस कर पाए, और देखिए जैसे ही ओवर खत्म हुआ रवि बनारस काफी तेजी के साथ जा रहे हैं, साथ बॉलिंग करेंगे, ये खुशी झलकता हुआ साफ खुशी झलकता हुआ कि वो कितनी तेजी से बॉलिंग की तरफ जा रहे हैं, लग रहा है कि शायद डालेंगे, जी हाँ कप्तान ने थमाया है गेंद को, शहबाज ने थमाया है गेंद को, इशारा किया है कि रवि बनारस को बॉल थमाया जाए,
चलिए रवि बनारस आए गेंदबाजी के लिए। चलिए इस ओवर में थोड़ी सी नजरें जो होगी दर्शकों की भी लगी रहेगी, जो दर्शक की सोच रहे कि चलो भैया ओवर खत्म हो रहा है, मैच लगभग खत्म हो रहे हैं, अब लाइट को बंद किया जाए, लेकिन जैसे उनको पता चला कि रवि बनारस गेंदबाजी कर रहे हैं वो छह गेंदे और अपना नजर जमा के रखेंगे कस्बा माहौल और बीडीपी लाइव क्रिकेट फेसबुक पेज के माध्यम से। पहली बॉल पे पूरा आता हुआ विकेट की तलाश है रवि बनारस को। ओ कट गया, एज लिया थर्डमैन मोनी लाइन महाशय रन, विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल जाएगी चार रनों के लिए। थोड़ा सा इस वक्त जय भाई कूदता आ जाता यार, अगर देखा जाए तो महज औपचारिकता से है लेकिन थोड़ा सा निराश चेहरे पे दिखा है रवि बनारस का। पर ओवर भैया अब तो बहुत बढ़ गए भैया 166.55 होनी चाहिए थी हुई नहीं, इसी बीच अभी चार गेंदे आपके पास, लंबा एट लंबा एट छह रन विकेट नहीं यहाँ मिलेंगे पूरे के पूरे आधे दर्जन छह रन। रवि बनारस की खबर ले लिए भैया, दो के तो पर 10 रन, तीन के तो 11 रन खर्च कर चुके हैं रवि बनारस के साथ। स्कोर चली गई है 51 पे 51 पे 5 टीम अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया है। एक और कट और विकेट कीपर एजाज के दस्तानों में, रवि बनारस का मिलने वाला यह पहला विकेट, विकेट कीपर एजाज के दस्तानों में। सभी बल्लेबाज और गेंदबाज अपना एक न एक अजूबा अंदाज दिखाया है, एक अच्छा स्वैग दिखाया है, मगर रवि बनारस का अब तक चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे वो गेंदबाजी हो उनका कोई स्वैग है नहीं अभी तक। रवि भाई अगर इनका कोई स्वैग है भैया हमारे उनके टीम के खिलाड़ी कुछ बताएंगे कि उनका स्वैग कौन सा है, जब वो अर्धशतक लगाते हैं या फिर शतक लगाते हैं उनका स्वैग किस अंदाज का है, हालांकि मुझे अभी तक दिखा रही है इनका स्वैग। ओ लंबा एट लंबा शॉट खुला मौजूद पर एक टप्पे के बाद सीधा सीमा रेखा के बाहर चार रन की तरह वो अपना एक रन अपना हाथ कंधे को घुमाते हैं, लेकिन इसी बीच एक चौका आता है इस चार के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन खर्चा कर चुके हैं रवि बनारस। इसी के साथ ओवर भी पूरा उतरा हुआ रवि बनारस का, मैच औपचारिकता है ओवर संपन्न जीत लिया 16 रन खर्चा किया है इसी के साथ या मैच को जीत लिया है भूमि इलाहाबाद ने मिलान में से सुपर 8 में क्वालीफाई कर चुके हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि भैया चलिए और मिलते भैया।